कक्षा दसवीं के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल यदि गारंटी ले लूं 65 नंबर का इसमें से नहीं फंसा तो आज के बाद वीडियो देखने आने ही मत। मैं कह रहा हूं ना, ए बी सी डी में से यदि 70 के 70 75 नंबर पक्के नहीं होते ना, आज के बाद वीडियो देखो ही मत, ठीक है? तो एक बार जरूर देख के जाओ। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? क्षुद्रांत में। मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी है तो इनमें से सभी के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, संतुलन के लिए, ठीक है, ये सब मस्तिष्क के कार्य ही है। मुकुल द्वारा आलैकिक जनन किस में होता है? ईष्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वहाँ दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित होगी। सामान्य वयस्क, सामान्य दृष्टि की वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उतना हो गया। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लो जल्दी तुरंत। ये हो गया इतना, ये 6 है। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आघात, वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिकता कहलाते हैं। ये आपका फ्लिंगदा बिलेंग वाले बच्चे लेंगे, ठीक है भैया। जोड़ी की हम बात करें तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक है, प्रतिरोधकता का हो गया ओम मीटर। अपसारी दर्पण, देखो अपसारी दर्पण हो गया उत्तल दर्पण और अभिसारी हो जाएगा अवतल दर्पण, पर लेंस में इसका उल्टा रहेगा, ठीक ठीक है। अपसारी लेंस आपका रहेगा अवतल और अभिसारी उत्तल, वो लेंस में उल्टा रहेगा, है ना। पादप में लैंगिक भाग पुष्प, जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी उत्तरी पीढ़ी, नेत्र गोलक का जाएगा 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको बताना चुंबकीय पदार्थ, छठे का जाएगा लोहा, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। एक वाक्य में उत्तर, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। दो धातुओं के नाम बताइए जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, सोना और चांदी। किन हार्मोन्स के कारण, किस हार्मोन्स के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि होती है 2 से 8 दिन की। लेंस सूत्र है तो 1/f इक्वल हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। दर्पण फॉर्मूला इसका प्लस वाला जाएगा बस। वोल्ट मापी को परिपद में किस प्रकार से आयोजित किया था? समांतर क्रम में। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देते ये, ठीक है। यहाँ से सत्य सत्य हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, मिलान कर लो कौन सी चीज़ें आती है, ठीक है। नहीं आती है तो कंप्लीट कर लो। द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है? प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, ठीक है। संचारण के दो तरीके बताइएगा, मीथेन और एथीन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। सहसंयोजी आबंध क्या है? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है? प्रकाश संश्लेषण को समीकरण सहित बताइएगा, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया का आरेख बताना है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? मेंडल के स्वतंत्र अपयन का नियम लिखेगा। अनुवांशिकता क्या है? उस लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यहाँ किस प्रकार का लेंस है? हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपस्थित दृश्य दर्पण के रूप में वीरता क्यों देते हैं? सारे क्वेश्चन देख लो कौन से प्रश्न आते हैं आपको, ठीक है। नहीं आते हैं तो कंप्लीट कर लो, अभी भी मौका है। 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? यहाँ से देख सकते हैं, ये विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर एल्यूमिनियम हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको देखना क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हो गया। दक्षिण हस्तांगुष्ट का नियम, आलैंगिक जनन में से में अंतर, पुष्प की अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र बनाना है। शाकाहारी से आप क्या समझते हैं? जैविक अब घटक क्या होते हैं? कार्य के आधार पर जैविक घटकों को किन किन भागों में बांटा गया है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया भैया, बढ़िया से। ये उष्मा क्षेप और उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित, जाइलम और फ्लोएम में अंतर, इंसुलिन और एड्रिनिन टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखना है। कोलाइडी विलयनों के प्रकीर्णन का आरेख खींचना है। नामांकित चित्र बनाना मानव नेत्र का, और ये रासायनिक सूत्र हो जाएगा व्यंजक और दो उपयोग, है ना। ये तो कर नहीं, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर और पेरिस उपयोग तो आएंगे आएंगे। अम्ल की 4 विशेषताएँ लिखनी, अम्ल और क्षार से एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा।
अंतर हो गया, अम्ल की विशेषता होगी, क्षार की विशेषता होगी, लवण की विशेषता होगी, है ना, चार लवणों के नाम हो गए, चार अम्लों के नाम, ये करके जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं, यहाँ से हो गया इतना। चलिए भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप है ना इस चीज़ का ध्यान रखो, यदि कोई बच्चा ऐसा है जो मैं हेडफोन सोचना बताऊँ, ये आप देख लो, आपके हिसाब से नाम पढ़ लो, ठीक है, कर लेना आपके हिसाब से स्टोर, तो यहाँ से फॉलो कर लो, किसी भी चीज़ आएगी तो आप समझ जाओ, इशारा समझो, है ना, समझदार सोचो ये सब, ठीक है, तो यहाँ से फॉलो कर रख लीजिएगा, है ना भैया। चलिए अब इसका सोल्यूशन हम अच्छे से देखते हैं ना भैया, ठीक है, तो पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख लेना जो चीज़ें आती है, ठीक है, नहीं आती है उनका स्क्रीनशॉट लेते हैं, या फटाफट फालतू चीज़ों को क्या करोगे रख 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 के, ये देख लो कारण बताओ वाले क्वेश्चन आते नहीं आते ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, संचारण के सुरक्षा के उपाय बताना है, ठीक है, मीथिन और एथिन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कर ही लेना है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करना ही करना है। सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार का आबंध होता है, प्रकाश संश्लेषण को समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उदाहरण से समझाना है, ये हो गया इतना। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, ये अमीबा में द्विखंडन आरेख समझाना है आपको, हो गया। इसके बाद में द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये हो गया है। यहाँ से अपन मेंडल का स्वतंत्र अपयन का नियम आपको समझाना है। अनुवांशिकता क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी क्षमता -2D डायोप्टर है, यहाँ लेंस किस प्रकार का लेंस है। उस हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृष्टि दर्पण के रूप में विरीता क्यों देते हैं, हो गया इतना। अभी सारी लेंस किसे कहते हैं, हो गया। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, देख लो ध्यान से भैया, आ रहा है प्रश्न, ये सब प्रश्न तो आने आना है, फोकस दूरी वाला था ना। कांच के आयताकार गुटके का नामांकित चित्र बताना है, ये चित्र करना है कंप्लीट, ठीक है भैया, करिए मेहनत करिए। देखिए जिनको लगता है करो, विश्वास वाले बच्चों को करते हैं बेटा, कभी कभी क्या हमारे पास कोई रियल पेपर तो है नहीं यार, हम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं, इतना तो आप भी जानते हो, ठीक है, हर बच्चा जानता है। अब 6 पेपर 5 पेपर हो गए यार अब तक, तो तुमने अभी तक नहीं समझा हमें, तो कब समझोगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आपको, 100% श्योर फंसेगी इनमें से ही, ये देख सकते हैं विद्युत संचारण पर आएगी, है ना। आप जिन बच्चों को भरोसा है उनके लिए बना रहे हैं यार, जिनको भरोसा ही नहीं है कोई बात नहीं। ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम हो गया, ये अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर, ये पुष्प का नामांकित चित्र पर चित्र बना दिया बच्चों ने, क्या नाम नहीं लिख पाए जल्दी जल्दी में, ठीक है। ये यहाँ से शाकाहारी से आप क्या समझते हैं, जैविक घटक से आप क्या समझते हैं, कार्य के आधार पर हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये संतुलित असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब संतुलित करना है इनको। अरे भगवान ले, ये तो करके जाना आप, है ना, उसमें छिपी और उसमें शोषी अभिक्रिया उदाहरण सहित, यहाँ पर हो गया इतना। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर हो गया, ये हार्मोन्स के कार्य इंसुलिन, है ना। यहाँ से कोलाइड विलयन का प्रकीर्णन आरेख, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये हो गया है। यहाँ से आपको रखना है कंप्लीट। अम्ल की 4 विशेषताएं लिखिएगा,